इंसान कई बार बुजुर्ग जब हो जाता है तो उसकी वासनाएं कई बार खत्म नहीं होती हैं दोस्तों, वह फिर भी वासनाओं में डूबा रहता है, उसको जबकि ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है, जबकि यह बहुत ज़्यादा गलत है। आज की घटना में भी एक बुजुर्ग ने ऐसा किया जिसको आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। एक आदमी ने अपनी प्रेमिका को बना लिया बहू और फिर दोस्तों रोज घर में ही बनाने लगा संबंध, और उसके बाद होता है यहाँ पर मौत का खूनी खेल। आखिर क्या होता है दोस्तों यहाँ पर इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जहाँ पर मोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसके घर में ही किराने की दुकान है और उसकी एक 18 साल की बेटी है जिसका नाम तिरसा है, और कई बार उस वह बेटी उस दुकान पर बैठी रहा करती, कई बार जो मोहन है वह दुकान पर बैठा रहा करता। तभी एक पड़ोस के घरों में से एक रामलाल नाम का एक व्यक्ति होता है, पड़ोस में उसका छोटा सा गांव होता नंगला, उसमें से वह मॉर्निंग वॉक करने के लिए उस गाँव तक पहुँच जाया करता है। वहाँ जाकर जैसे ही पहुँचता है तो मोहन की दुकान गाँव से बाहर थी, तो वह उसकी दुकान पर बैठ जाया करता है सस्ताने के लिए। तो बुजुर्ग आदमी था, मोहन भी इस बात का बुरा नहीं मानता और वह भी उसको बिठा लिया करता और बहुत ज़्यादा देर तक वह बातें किया करते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर मोहन की लड़की भी थी 18 साल की, अब वह बुजुर्ग रामलाल उस लड़की की तरफ गंदी नज़रों से देखने लगता है। धीरे धीरे उस लड़की को अपने हेरे फेरे में पटा लेता है और फिर उसके साथ संबंध बना लेता है। अब यह सिलसिला रोज़ रोज़ का हो जाता है, लेकिन रामलाल सोचता है कि अगर मैं रोज़ रोज़ यहाँ पर इस लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए आऊँगा तो इन लोगों को शक हो जाएगा और किसी न किसी दिन मेरा भेद खुल जाएगा और मुझे मार लगेगी और हो सकता है मेरी जान भी चली जाए। तो एक भयानक चाल चलता है, उसका बेटा होता है 20 साल का, वह मोहन से उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लेता है। अब मोहन राजी हो जाता है और मोहन अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कर देता है। दोस्तों शादी होने के बाद अब जो मोहन की लड़की होती है तिरसा, वह उसी बुजुर्ग रामलाल के घर में बहू बनकर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वह दोनों संबंध बनाते हैं खुशी से। संबंध बनाते बनाते धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है और फिर कुछ समय जब गुजरता है तो अब उस तिरसा को एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। अभी भी संबंध बनाए जा रहे थे, धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है तो बच्चा 1 साल का हो जाता है, लेकिन अब तिरसा का मन उस बुजुर्ग रामलाल यानी कि जो उसका ससुर बना था उससे भर गया था, वह उससे दूर दूर रहने लगी थी। तो यहाँ पर रामलाल भांप जाता है और एक सोने चांदी का एक गहना बनवा कर लाता है और उसको दे देता है गिफ्ट में। यह गहना लेकर के वह तिरसा बहुत खुश होती है और फिर से उनका यही काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं खोटी चवन्नी कब तक चलती, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब जो बहू होती है वह उससे बिल्कुल दूर हो जाती है और कहती है कि सुन बाबा, अब तुम उससे दूर रहकर यह अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो ससुर होता है उसको बहुत बुरा लगता है और वह बदला लेने की फिराक में घूमने लगता है। वह रात दिन सोचता है कि किस तरह से इससे बदला लिया जाए और आखिर किस तरह से मैं इसको नीचा दिखा सकता हूँ। एक दिन वह गली में बैठ करके सोच ही रहा था कि किस तरह से इसको इससे बदला लिया जाए, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने पोते को उठाता है जो 1 साल का हो चुका था और उसको गोद में उठाकर बाहर की तरफ ले जाता है और नदी के किनारे जाकर के उसको जान से मार करके वहीं पर छोड़ देता है और वापस आ जाता है। उसके बाद दोस्तों गांव के लोग जब वहां से गुजर रहे थे तो छोटा सा बच्चा मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है। गांव में शोर फैलता है तो वह बच्चा उनका था और वह जो माँ होती है तिरसा रोती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि तो मेरा बच्चा है। उसके बाद तिरसा और तिरसा का पति उस बच्चे को गोद में लेकर के पुलिस थाने जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारे बच्चे को किसी ने मार दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है और पुलिस उस जगह पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ CCTV कैमरे उस रास्ते में लगे हुए थे, उनको चेक किया जाता है तो वहाँ पर पता चलता है उस बच्चे का दादा जिसका नाम रामलाल होता है वही उस बच्चे को वहाँ पर लेकर गया था और उसने उस बच्चे का कत्ल किया है। दोस्तों पुलिस सारा मामला जान जाती है और रामलाल को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछा जाता है तुमने अपने पोते की जान क्यों ली, तो यहाँ पर वह सारी घटना बताता है और यह भेद लोगों के सामने उजागर हो जाता है। तो एक दादा अपने पोते की इस तरह से हत्या कर देगा, दोस्तों यह हो तो नहीं सकता, लेकिन आजकल कलयुग है और कलयुग में तो कहते हैं कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक दादा ही अपने पोते का नरसंहारक बन गया और यहाँ पर उसने जो कृत्य किया था यह भी बहुत शर्मनाक था, निंदनीय था। बुजुर्ग जब इंसान हो जाता है तो उसको ऊपर वाले से डोर लगा लेनी चाहिए, जबकि यहाँ तो आजकल लोग कुछ और ही करते हैं,
कुछ और ही गुण खिलाते हैं जो कि बिल्कुल ही शर्मसार कर देने वाला होता है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।